एक छोटे जे सिगटां दे टोटे पीण वाले अजमत अली नूं मैं की दसां कि उह किसदे बारे च उसने अल्फाज इस्तेमाल कीते ने। मेरी मैडम पीर है, मेरी मैडम पूरी दुनिया की पीर है, जिहदे बारे तू अल्फाज कह दे, तू खुदा की कसम है मेरे सामने आवे मैं तुहानूं गड्ड के रख दिया। और तुसी ते जम्मे ही नहीं, उहदे पैरां दा धौण वी नहीं तुसी, तुहाडी जुरत की होई है गल करन दी? मैं तुहानूं गड्ड के रख दिया जिहड़ा उहदे खिलाफ लफ़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, तुसी पे वेखदे हो खबरी टीवी, मैं तुहाडा मेज़बान मलिक मोहम्मद वासो की हाजरी खिदमत। नाज़रीन, पिछले दिनों में अली अजमत साहब ने साहब तो नहीं दिल करता लेकिन चलो एक अखलाकी मैडम नूर जहान दे उते किचड़ जिहा सुटिया और मैनू इंतहाई अफसोस होया जिहड़े नाल उहदे बंदे बैठे हुए सन। मैं उहदे प्रणाम करना भी चाहता सा लेकिन मैं सोचा भी ये हुण गम दे विच वट्टा वगाओ तो छिणका आपे तैन। फिर जनाब मैनू चौधरी लियाकत कंबो साहब की कॉल आ गई कि सोकी साहब मैं आसा मेरे आने तक इसनू कोई जवाब नहीं देना। वो कि मेरी फील्ड भी थी, किथे मेहर अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखी किथे जा लड़ियाँ। तो मैं चौधरी साहब अगर गुजारिश कर सा कि जरा मैडम के बारे से कुछ तुसी की कहना चाहते हो, अली अजमत तू जो कुछ उसके आ जनाब। चौधरी साहब जी। जनाब बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शुक्रिया सौकी साहब। मैं पता लगे भी अजमत अली गुरुकार ने जेडे इन्होंने इस तरह करके गुफ्तगु की है टीवी के उत्ते मैडम नूर जहां के बारे च जी। और मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं वो अल्फाज इत्थे सामने वो कहां, मेरी जबान इस चीज की और नहीं कर रही कि मैं जो कुछ इन्होंने जो कुछ जमीन ही नहीं कर रही। छोटे बालक का जवाब की देवा कि भी मैं एक छोटे जे सिगटां दे टोटे पीण वाले अजमत अली नूं मैं की दसा कि किसके बारे च उसने अल्फाज इस्तेमाल किए ने कि वह इस तरह से या इस तरह से। तुहाडी औकात की है? सड़े कोख ते हर तुहाडी शकल है, तू तुहाडी ना शकल ना लैण देना, तुहानूं शर्म आनी चाहीदी सी। ऐसे जिने जेड़े पीर ने जिन्हें मरीद जिंदा ने गड के रख देंगे ने तेरे जिया, जिसने मेरी मैडम पीर है, मेरी मैडम पूरी दुनिया की पीर है, जिदे बारे तू अल्फाज कह दे, तू खुदा की कसम है मेरे सामने आवे मैं तेनू गड के रख दिया। तेनू पता नहीं है तू किसके बारे च अल्फाज बोल रहे, तेनू शर्म आनी चाहती सी। और मैं खुदा की कसम है तेनू गड के रख दिया अगर मेरे को, मैं रात नहीं नींदर नहीं आती, तू जो कुछ बकया तेनू शर्म आनी चाहिए सी। तेरी औकात की है? तेनू जानता कौन है? तू अंदरों बाहरों खत्म होया पे, तेरे पल्ले की है? तेनू समझ नहीं आया कि मैं क्या की रहा? तेरी औकात ही इस चीज़ की? तेरी जरूरत किस तरह हुई? जेड़े पीरां दे खिलाफ जेड़े पीरां दे मरीद ने ना वह गड के रख देंगे ने, और मेरी पीर है वो खिलाफ जेड़े तू अल्फाज कहने, मैं तेरे को हिसाब लगा देना, मैं तेनू छोड़ा नहीं जेड़े तू अल्फाज कहने। तेरी जरूरत किस तरह हुई इस तरह गल करने की? नाज़रीन, कंबो साहब जज्बात च हो गए और यकीन मनसो देखे मैडम अफसोस लगे इस गल का। मैडम ने जो कुछ किया वो पूरी दुनिया नू पता। यार ये गिटार फाड़ लेनी, मैं अगर वाजा फाड़ लवा, मैं कह जनामन मैं फलाने वो गए थे यार अब तो बस्तफार। देखे आर्टिस्ट आदमी कभी भी नहीं कहता, वो कदे नहीं कहता कि जनाब मैं बड़ा आर्टिस्ट हाँ। आर्टिस्ट जरा हों वो चुक जाता है और जो तो चुकता है तो उन्होंने फिर होर मजीद अल्लाह ने जात रंग लानी। यार एक छोटे जे प्रोग्राम वास्ते मैडम या कह मैडम ने कड़ी तारीफ असी दसीए जी? ये पुत्र हटा तो नहीं विकते, उन्हें जाके बार्डर से साढ़े फौजियों साथ दिता, वो एक किस्म की फौजी भी सी है ना, उन्होंने एवं मलका तरह कल नहीं गिदड़ी तो रव फलिया है। तो शर्म आनी चाहिए सी अल्फाज इस्तेमाल कर लगे। मैं चल साहब मैं उन्होंने जवाब देना चाहता सा जो तुम मैंने कहा कि नहीं सोकी साहब मैं हसा तो मैं बहसा उसके बाद। यार गल है वे पहली गल तो वे कि यह समुंदर है, मौसीकी है ही समुंदर है। चल साहब जेड़े समझदार बंदे होंगे ने वह अपने कुलीक नाल वह तो उस्तादा की उस्ताद सी, और तुसी ते जम्मे ही नहीं, उन्हें उहदे पैरां दा धौण वी नहीं तुसी, तुहाडी जुरत की होई है गल करन दी? मैं तुहानूं गड के रख दिया जिहड़ा उहदे खिलाफ लफ़ा। साहब जज्बात च हो गए नूं, मैं गुजारिश ये करना कि जिहड़ा सुर मैडम ने लाया खुदा की कसम खा के कहना, बड़े लोग होर भी लाते हैं लेकिन जिथे मैडम ने टिका के सुर लाया उथे
सदियां गुजर जा सन कि पता ऐसी है मैडम कोई बाद विच आवे जिथे, क्योंकि मैं इल्मे मौसीकी ना स्टूडेंट ने नाते तक आया वा, लेकिन जेड़ा सुर मैडम ने बडार करके नजरीन बडार सुर दे कोमलती वर्ग अंदर होना राग दे अंदर हट के एक सुर लाना ते मैडम ने जिथे लाया ते फिर जेड़ी उन्हें धमाल गा छड़िया खुदा दी कसम है लाल मेरी पत रखियो भला और तू केड़ी गल यार खुदा दा वास्ते मैं तो गल कहना ही नहीं चाहना कि यार की मैं हुण तैनूं कहां की। देखो सोकी साहब इन्होंने वास्ते हुण यही है कि यह उहदी कबर ते जान कराची अल्लाह की कसम है उहनां दी कबर की मिट्टी नाल लता पत होण अपने गुनाहां की माफी मंगण और हो सकता है इन्हां दी आवाज़ च कोई थोड़ी बाली कोई जगमग आ जाए। आ गई समझ ये जो कुछ किया मैं तुसी यकीन करो नूर जान दी इन्होंने गल की मैं कहना मैं उड़ा के रख दें हर शायद इन्होंने मेरे उस्ताद पीर के खिलाफ एक गल की है। मैं सौकी साहब अल्लाह तो डर के कह रहा या अल्लाह तौबा माफ़ करी। मैं अगर घर कोई मसला को बीमार हो जाना या कोई मसला बन जाए जी जी तो मैं अपने छोटे बच्चे को कहना ना यार मैं नूर जान का फलाना गाना सुनाओ है जी। मैं यानी उठ के बह जाना मेरे जज्बात इतने हो जाते हैं वो तो पूरी दुनिया की पूरी बरस गिरती है पूरी दुनिया उसको मनती है और पौड़िया जे तू किधर उठ के आ गया वो खिलाफ बोलने वाला मेरे सामने तू हो मैं तेन गढ़ के रख दिया। मसला है वे कि देखो जी अगर उन्हें अरफाना कलाम धमाल गाई उन्हें पूरा मतलब कि जितों साज उठा यकीन मनसो अज भी असं सुनते हैं तो साढ़े रोंटे खड़े हो जाते हैं कि यार वो कहड़े लोग सन और जड़िया पांच सात दस ताइया चोरी लागू भाई गुजरियां ना जी यकीन मनसो के वह लिखण वाले आफरीन वह कंपोजर आफरीन वह म्यूजिशियन आफरीन क्योंकि उस वेले अजकल तो ट्रैक ना दौड़े ना इधरू पाया थे ये मैंने इसको रीमिक्स कर लिया और यार ना अगलिया तो ना पिछलिया यकीन मनसो के मैं इल्मे मौसीकी ने लोगों में बैठा मैनू बैठने तक शर्फ है गाना या वह सुर लाना बड़ी दूर की गल है लेकिन मैं खुदा की कसम खा के कहना मैं तनाई जाता होव मैडम का गाना या दमाल लगी भी हो गड्डी तो मैं बैठ के रोना शुरू हो जाना कि यार उन्हें किस तरह गा लिया जी यकीन मनसो और उन्हें जेड़ा फिल्म अंग विच उन्हें गाया ओह हो प्यार दी कहानी लोग कित्थे आके रुक गई है मतलब झांझा राज कुछ कहंदी है। देखो जी उन्होंने सौकी साहब जो 50 साल मेरी उम्र हो गई उन्होंने साढ़े तो बहुत ज्यादा पहले दे दुनिया जी सुन के मस्त हो जाती है जिथे और असी जिसले छोटे सी ना उसले फरमैश लगती होंगी सी उन्होंने एक गाना सुनने वास्ते एक एक घंटा असी इंतजार करते हैं सूबेदार वालदार फलाना सिपाही फलानादार एक घंटा फरमैश असा सुननी उस तो बाद घंटा इंतजार करके जनाब सुकदे रहना गली दे विच बह के जनाब वो गाना सुनना सी उन्होंने और तुहानू कौन सुनता है। फिर मैं दूसरी गुजारिश ये कर सा कि देखो मैं जो होश शामी ना ते रेडियो ते गाना सुनया बरी बरी ए मामला आय हाय हाय सुभान अल्लाह फिर लाल मेरी पत रखियो भला ए नगरी दाता दी क्या ही बात है जी क्या ही बात है यकीन मनसूख के उन्हें जेड़ा अपनी आवाज विच इन हस्तियां नू वैसे ते बेताज बादशाह वली अल्लाह नू कौन नहीं जानता लेकिन मैं हुण भी अगर बरी इमाम सरकार ते जाना या दाता सरकार ते मैं जाना ते मैं कहना यार उस शहर ने जेड़ा कुछ लिखा किवें लिखा ये कोई उन्होंने फरिश्ते लिखांदे रहे ओ ये अजकल दे टुटे भजे गुलूकार मैं अगे भी कह चुके हैं सिगटां दे टोटे पीण वाले है जी ये अजकल दे गाने गाने तेरे मेरे घर के आगे पीछे लारी अड्डा लारी अड्डा दो लाणत आवे ऐसे गाने सुनने ते सुनाण वाले ते तुसीं जिहड़ा असल चीज है जिस नूं सुणो जिहड़ी तुहानूं सुण रहे हां याद रख मेरी गल ओ खैर मौसीकी इक रूह दी ग़िज़ा है मैं ये नहीं कहंदा लारी अड्डा देखो जी गल है वे असीं तां किसे नूं भी बुरा नहीं कहंदे इस वास्ते हर बंदे दी चॉइस है लेकिन मैडम ने नूर जहान ने जड़ी मौसीकी जड़ा वो गा गई आने वाली पता नहीं जेड़े इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए ने वो इस वास्ते इन्होंने अपने आप तो शर्म आनी चाहिए है। मैं जनाब तुहानू कहांगा कि उस्ताद दी उस्ताद है जिस नूं तुसीं लै लो अली अजमत साहब और लफ्ज जड़े ना इंतहाई गंदे लफ्ज हन और यकीन मनसो मैनूं कई दोस्तों ने उन्होंने दिनों पूछा बल्कि वो डॉक्टर और कई लोगों ने पूछा डॉक्टर सदफ मुर्तजा ने उदे बारे ते जनाब मन पूरा वो किया उदी दुआइया तकरीब रखी और उन्हें प्रेस क्लब जाके इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब उन्हें जाके इत्तजाज किया और दुआइया तकरीब हुई और मैं कहना उदी क्या बात है यार देखो नुसरत फतेह अली खान
ਇਹ ਕਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਦ ਗੁਜ਼ਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੂਰਜਹਾਂ ਦਾ ਇਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਉਹ ਫਕੀਰ ਸੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ 40-45 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਰਵਿਸ ਕੀਤੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਡਮ ਨੂਰਜਹਾਂ ਜਬ ਪਿੰਡੀ ਮੈਂ ਆਤੀ ਥੀ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਸਿਨਮੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਉਹ ਸਰ ਜੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸਨ ਨਾ ਸਾਰਾ ਸਟੂਡੀਓ ਇਤਰਾਮ 'ਚ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਟਣਾ ਵਾਂ ਤੇ ਖੁਰਸ਼ੀਦ ਕਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਆਉਣ ਕੇ ਹਿਸਾਬ ਲੈਂਦੀ ਸੀ ਸਿਨਮਿਆਂ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਰ ਗਲੀਆਂ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਮੈਡਮ ਪਾਣੀ ਕੀ ਲਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਛੰਨੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਯਾਰ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਫਿਰ ਲੋਕ ਦੱਸਣ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹ ਰੇਵੜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਸੀ ਔਰ ਫਕੀਰ ਫਕੀਰਣੀਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਉਣ ਕੇ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਨਾਬ ਮਨ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਜ਼ਕ ਲਾਇਆ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਅਲਫਾਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸੋਕੀ ਸਾਹਿਬ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਲਤਾ ਮੁਕੇਸ਼ਕਰ ਕਿਤਨੀ ਬੜੀ ਉਹ ਗੁਰੂਕਾਰਾ ਮੰਨੀ ਪਰਵੰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਆਪਣਾ ਭਗਵਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਤੋਂ ਲੁਤਫ ਅੰਦੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਸੁਰ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜੀ ਜੀ ਰੋਈ ਅਮਰੋਈ ਹਾਂ ਜੀ ਰੋਈ ਅਮਰੋਈ 'ਚ ਉਸਨੇ ਰੋਈ ਜਾਣਾ ਅਮਰੋਈ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਠਹਿਰਾ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਜਿਸਮ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਖੂਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਕੀਨ ਮਨਸੋ ਔਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਰਾਨੇ ਗਾਏ ਸਨ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਫੌਜੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਤੇ ਚੱਕ ਮਾਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਖਾ ਪੀ ਜਾਈਏ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਨਾ ਜੁੱਤੀ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਦਾਗ ਵਾਵੇ ਯਾਰ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਅਲੀ ਅਜ਼ਮ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਮ ਇਹ ਸੁਣ ਜੋਗੇ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਨਾ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹਨ ਬਹਰਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਚੌਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਸੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਯਕੀਨ ਮਨਸੋ ਮੈਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਂ ਵੀ ਲਵਾਂ ਔਰ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਅਲੀ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਹੈ ਹਰਕਤ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕਿਸ ਰੱਖਿਆ ਇਹ ਸਮਝ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਅਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਸਤਾਖ ਜ਼ਬਾਨ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਹੈ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਫਨਕਾਰ ਦੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਬਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਕ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਸੋਕੀ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਇਲਾਕਤ ਅਲੀ ਕਮੋ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅੱਲਾ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ